हर हाल में, हर हाल में, हर हाल में हमारी मंदिर हमें चाहिए। जबरदस्त, हम माँ को बेचेंगे नहीं। सेव मंदिर, सेव मंदिर, सेव पाकिस्तान। वो हमें ये धमकी देती है कि आप अटोक नहीं तो हम मंदिर को सील कर देंगे, और हमारी औरतें बेचारी अब रो रही हैं, बैठी हुई हैं, पूजा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब वहाँ क्या, हम तो गरीब लोग, हम तो लड़ भी नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि हम अपने मंदिर के लिए मर सकते हैं। बिलावल भुट्टो के लिए हम लोग को नमस्कार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ये हम लोगों के साथ जुलम हो रहा है ना, ये जुलम हम लोगों को अच्छा करो। वो माता को कौन सी जगह में रहता था उसी जगह में रखो, हम पूजा करेंगे। हम तमिल है, हम तमिल है, हम इंडिया का चेन्नई के रहने वाले हैं, हम तमिल भाषा करते हैं। हम उसमें बात करें, यंग कोयल की एंगल की वेंडो, ठीक है, के रिक्वेस्ट भी अपनी ले, अपनी जुबान में आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं गवर्नमेंट से, सीएम से रिक्वेस्ट कर अपनी जुबान में, तमिल में। हम लोग इन लोगों के साथ खड़े हैं और हम यहाँ पे इधर से इस मंदिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे और रोड तक इस प्रोटेस्ट को लेकर जाएंगे, जिसमें ये सब लोग मेरे साथ मौजूद होंगे। पूरे ये आपके एरिया के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, क्या हौसला मिल रहा है, कोई उम्मीद मिल रही है आपको? ये तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने अच्छी तरह कवर किया इसको, बड़ी अच्छी तरह दिखाया है इसको, मैं आपका बार बार थैंक यू बोलता हूँ भाई। और ये लोग ये वीडियो आपकी वीडियो देख के सारे जमा हो गए। अच्छा, यकीन जाने ये आपने बड़ा अच्छा कवर किया। मुझे महाराष्ट्र से भी कॉल आई कि इस बंदे ने बड़ा अच्छा कवर किया, अच्छा तरह दिखाया, उसको भी सुना, हमें भी सुना, लेकिन बेहतर दिखाया बिल्कुल। मैंने अंदरून सिंध विजिट किया, वहाँ पे मुझे बहुत बुरी कंडीशन नजर आई हिंदू कम्युनिटी की। मुझे फिर लेकिन ये बताया गया कि शायद जो कराची है, जो मेन एरिया है, वहाँ पे अच्छी एक कंडीशन में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये मैंने ये मोहल्ला देख रहा हूँ, ये घर देख रहा हूँ, ये कंडीशन देख रहा हूँ, ऐसी कंडीशन तो मुझे लगता है यहाँ पे भी गुर्बत का बुरा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, हम हॉस्टल बनाना होगा तो हम लोग कब का बना लेते हैं। हम अपना धरती माँ को छोड़ नहीं सकते, हम अपना मंदिर को छोड़ नहीं सकते, हमें हॉस्टल की जरूरत। हॉस्टल कमर्शियल एक्टिविटी में आ जाएगा, प्लाजा बनाया जाएगा वो भी कमर्शियल एक्टिविटी में आ जाएगा। और एक मेन चीज, ये किसका पाकिस्तान है, ये किसका पाकिस्तान है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मद्रासी कम्युनिटी के साथ इशू आया जहां पर सिंध में एक कराची में एक मंदिर को डिमोलिश किया गया, वहां पर प्रोटेस्ट करने की बजाय एक और एरिया में, ये भी एक मंदिर है श्री मारी माता मंदिर जो टेम्पल है, इसके बाहर ये प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, जहां पे मंदिर को डिमोलिश किया गया, जहां पे खबर है, जहां पे वाकया है, उसकी जगह की बजाय इस एरिया में या इस टेंपल के सामने प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद है, इनसे बात करेंगे। जी मेरे भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया भजन, आप फर्स्ट डे से चीज को कॉपी कर रहे हैं। दूसरा ये कि प्रोटेस्ट का मामला ये है कि आपने वहाँ देखा मोबाइल लगी हुई है, हमें खड़ा नहीं होने दे रहा है मोबाइल, गाड़ी पुलिस की गाड़ी, इसकी गाड़ी, वो हमें ये धमकी देती है कि आप अटोक नहीं तो हम मंदिर को सील कर देंगे, और हमारी औरतें बेचारी अब रो रही हैं, बैठी हुई हैं, पूजा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब वहाँ क्या, हम तो गरीब लोग, हम तो लड़ भी नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि हम अपने मंदिर के लिए मर सकते हैं। जब ये देखें, जब तक ऐसी सोच आपकी रहेगी, मैं ये समझता हूँ कि मंदिर ना, उस मंदिर को कुछ हो सकता है। आप बताएं हमारे आने के बाद, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे काम रुका है? जी रुका है, काम तो रुक गया उस ठीक हो गया। जी, जी। वहाँ पे जो हमने उस टाइम पे पॉलिटिशियन को बुलाया, उनसे बात की, आपको उनके मौकफ से एग्री करते हैं या एग्री नहीं करते, क्या कहना चाहेंगे? ये एहतजाज मैंने आज जो रिकॉर्ड कराना है, इसी हवाले से कराना है। जो वो डॉक्टर साहब, उनका नाम भी मैं शायद नहीं जानता, डॉक्टर राकेश जी ऐसे कुछ नाम है उनका, वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो किस इदारे से आए थे, वो क्या बयान किया, जो बयान हमने देखा वो सरासर उसके हम मजम्मत करते हैं। ऐसा कोई उसमें कम्युनिटी हॉल नहीं बनेगा, ना कोई हॉस्टल बनेगा, वो मंदिर की जगह है और मंदिर ही बनेगी भाई। ठीक है, इसके लिए तो हम बिल्कुल समझे, ये हम खड़े में अभी हम मरने के लिए तैयार हैं भाई, मंदिर ही बनेगा। इन्हें जो मैंने नोट किया चीज, एक जगह से हटाया जाता है कि आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, फिर ये दूसरी जगह पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं, वहां से हटाया जाता है, फिर ये बेचारे कहीं और जाके प्रोटेस्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तान का आइन ये हर एक को इजाजत देता है, ये मुझे भी इजाजत देता है, इन्हें भी इजाजत देता है, इन्हें भी इजाजत देता है, हर एक को इजाजत देता है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की भी अगर इजाजत, क्या आपको इजाजत नहीं दी जा रही, क्या कहते हैं प्रोटेस्ट? जी आपने भी देखा, वहाँ तो खड़ा भी नहीं होने दे जा रहा। ठीक है, वहाँ से जो हम अगर, वो तो हमें पहचानते हैं ना, वो देखते हैं, बोले भागो भागो यहाँ से निकलो। हाँ। तुम्हारा काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर ज्यादा जोर लगाओगे तो वो तो आपके सामने पुलिस ने कहा मैं इसको सील करा दूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे वो जो लेडी है जो क्लेम करती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, उनसे जब बात की वो कहते हैं कि ये तो इस एरिया के हिंदू है नहीं, ये मद्रासी कम्युनिटी किसी और एरिया से आए हैं और यहाँ मंदिर पे कब्जा करना चाहते हैं, वो तो आप पे ये ब्लेम कर रहे हैं। सर वो झूठ बोल रही सर,
वो शुरू से झूठ बोल रही है। पिछले जब हम प्रेस क्लब किए उस टाइम भी पुलिस लगाए सर, उस हम लोग मारा डंडे वंडे मारे और उसके जो लड़के मुसलमानों के साथ बिठा साथ बिठा के सर हम लोग पिक्चराइज करती दबाती है। परसों भी हम गए थे सर, पुलिस को बुला के सर हमें मौजूद थे सर, उन्होंने मार के भगाया हम लोग को सर, बोलते यहाँ नहीं खड़े रहो और आगे ये खड़े रहो। हम शुक्र गुजार करते सर, मुझे वो हक चाहिए सर, हम लोग मंदिर ऐसे ही है। हम जहाँ तक पॉसिबल हो सका, मैं मेरी टीम, हमने यहाँ के जो उनसे कानून के लोग हैं उनसे भी कॉन्टेक्ट किया है, यहाँ के पॉलिटिशियन से भी राब्ता किया है, और सबसे बड़ी पावर मैं ये समझता हूँ मीडिया की पावर होती है। अगर ये आवाज, हमारी ये आवाज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक जाए, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं सिंध, ये हमारी ये आवाज सिंध के जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, उन तक जाए। हमारी ये आवाज बिलावल भुट्टो साहब, जो कि यूनाइटेड नेशन में जाके ह्यूमन राइट की बहुत बात करते हैं, उन तक ये बात जानी चाहिए कि आखिर पाकिस्तान में और उन्हीं के इलाके कराची में जो कंडीशन है मिनोरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ, क्या वजह है कि ये लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? अगर वहां पे वो जो जैसे वो कहते हैं जी यहाँ पे हम हॉल बना देते हैं, कम्युनिटी हॉल बना देते हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देते हैं, गर्ल्स हॉस्टल की खबर आ रही है। देखें, ये वो जो जगह है वो हमारे ट्रस्ट की है, हमारी एक पंचायत है मद्रास हिंदू पंचायत, उसके नाम पर है, वही उस चीज के फैसला करेंगे ना वहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी कमेटी है, दरअसल मेरा ये बिलावल साहब से रिक्वेस्ट है कि इसकी सही तरह जांच पड़ताल करवाए और ये जिसकी जगह है उसको इसके हवाले की जाए। भाई ये फाइट आज की नहीं है, ये हम अपने बाप के दौर से लड़ते हुए आ रहे हैं। ये औरत पहले, ये अभी, ये इससे पहले कोई और आ गया था, ये जान ही नहीं छोड़ रही हमारी, ठीक है, और हमें ना पूजा करने देती है ना हमारा इतना बड़ा त्यौहार होता है। लेकिन जो मैंने वहाँ मंदिर को विजिट किया, अंदर मैंने गया, मैंने देखा एक छोटा एक कमरा था, एक या दो कमरे जिसके अंदर सारा वो मंदिर था, बाकी जो था वो कहते हैं ये प्लॉट है। चलिए, बड़ी अच्छी बात बोली आपने, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा आप कैमरा दिखाएं, आए मेरे साथ, जरा आए, ये मंदिर जी बिल्कुल, ये देखे भाईजान, ये होते मंदिर, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग इस कम्युनिटी में रहते हैं और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है, ये मेंटेन किया हुआ, ये माता का मंदिर है, ये वही माता है जो वहाँ पर विराजमान है, ठीक है ना। ये मंदिर, इस मंदिर होती है इबादत का, आपको भी पता है किस तरह होती है, किस तरह उनकी साफ सफाई देखभाल किस तरह होती है, बल्कि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो पूजा कर रहे हैं, ये प्रॉपर अभी हमारे दिन चल रहे हैं, सर रावण के लोग रोजा रखा हुआ है, अब हम उस चीज से तो बिल्कुल महरूम हो गए ना, हमें तो रोजे की हालत में ये आपके साथ मामला, बिल्कुल हमारे अभी रोजे चल रहे हैं और हमें बिल्कुल पूजा करने की इजाजत नहीं, कुछ भी नहीं, हम तो बैठे हुए, ठीक है ना, दूसरा रोजा है हमारा, ठीक हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग पाकिस्तान से वाकई में मोहब्बत करते हैं तो हमें इन लोगों के साथ खड़ा होने की जरूरत है। अगर हम माइनॉरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो शायद इंटरनेशनल लेवल पे कोई पाकिस्तान का ख्याल भी नहीं रखेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाने वाली हैं, बहुत से ऐसे सबूत हैं जो ये भाई साहब का कहना है, इनका ये क्लेम है कि हम दिखाएंगे। अच्छा, वो कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास? फोटोज हैं, आपके पास पेपर हैं, या क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आपको सारी चीजें शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में ना, मेरा हमारे पास सारी तस्वीरें हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स तो वो थोड़ा सा उसको हम नहीं, लेकिन उसकी जो जो पुराना, जिस पुरानी हालत में मंदिर था हमारा 150 साल पुराना, वो तस्वीरें हैं और जो सारी जो भी चीजें, और वो वहाँ पे एक इमरान नाम की एक पर्सनैलिटी थी, शख्सियत थी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला मेरा कोई तल्लुक नहीं है इमरान के। मैं आपके कैमरा मैन को जरा दिखाता हूँ, इसने इसी इमरान की बात की थी, जरा एक मिनट मुझे दे दें बस, ठीक है। मैं हमने कोशिश भी की उनसे, आप कैमरा करीब करेंगे तो ये वही इमरान है जिसको ये कह रही थी कि मैं नहीं जानती, बोलते इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं इसको जानती हूं। प्रॉपर हम फोटो भी लगाएंगे, यहाँ पे हमारी माएं, हमारे मतलब ये कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ ठीक है। क्या इशू क्या नजर आ रहा है आपको, क्या समझती हैं कि आप यहाँ पे सालों साल से रह रही हैं, आपकी जितनी एज है? बचपन से उस मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, ठीक है। अब इसने अपने बाप के साथ यहाँ पर आई हमारे घरों में, ये मंदिर हमारे लिए चाहिए, हमारे घर वाले ने इसको किस्मत करने के लिए वहाँ पर छोड़ा था, किस्मत के लिए छोड़ा था, अब हमारा घर वाला गुजर गया तो ये अपना आपको कब्जा करके बैठ गई। अभी हम लोग जाए तो पुलिस रखती है अपने साथ और भगाती है मार के, और हम लोग ना वहाँ पूजा करने देती है ना वो मंदिर खोलने देती है। अब रहते रहते उसने बिल्डिंग बना कर खड़ा कर लिया, हमारे मंदिर इतनी छोटे नहीं थे, हमारी मूर्ति भी इसने गायब कर दी, सब कुछ इसने हड़प करके बैठी हुई है। लेकिन वो जहाँ जब मैंने उनसे बात की तो उनका क्लेम ये है कि भाई मेरे दादा पर दादा हम 200 साल से, तो फिर यहाँ पर क्यों आई थी? दिया था हमारे मियाँ ने दिया था,
हमारे मियाँ ने सदर साहब था, ये अपने बाप को लेके यहाँ पर रोते आई, बहुत रोई थी, हमारे मियाँ ने बोला आप माँ बेटी और बाप ने तुम लोग किस्मत करो, उनसे सेक्रेटरी सेल्वराज इसका मियाँ का नाम था, सेक्रेटरी सेल्वराज उन्होंने ये खिदमत के लिए। देखे ये कंडीशन है कि एक बहुत महंगी प्रॉपर्टी जब इनकी तरफ से दी गई मंदिर के लिए, कुछ टाइम तो वहाँ पे मंदिर रहा, फिर उसके बाद उसे वो हमारा मियाँ भी मर गया, जाने आने से रह गए, तो वो इसने अपने आप को बिल्डिंग खड़ा कर ली, वो खुद भी सदर साहब था, यहाँ पर ये आती थी बाग बाग के, अब ये रेखाने तो बहुत ऊंचा बना के बैठी हुई। लेकिन हम आप परेशान ना हो, मैं आपको बता लाहौर से हर हाल में, हर हाल हर हाल में हमारी मंदिर हमें चाहिए, जबरदस्त, हम माँ को बेचेंगे नहीं, वो हमारी माँ है, धरती माँ है, हमारी मंदिर है, हम उसको बेचेंगे नहीं। ये क्या चाहती है समझ, ये वो लोग हैं जो हर चीज को बर्दाश्त करते हैं, यहाँ पे अगर किसी किस्म का राइट दिया नहीं जाता या कानून में राइट होता है इन तक वो नहीं पहुँचता, फिर भी ये बर्दाश्त करते हैं, लेकिन शायद मंदिर की जब बात आए, उनकी माता की जब बात आए, तो ये लोग जाहरी बात है बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाहिर है आपका आपका मस्जिद है, आप किसी को छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना, इसी तरह ये हमारी है, ठीक है, हम इस मंदिर के लिए अपना जान भी कुर्बानी देंगे। नहीं मैं ये कोशिश करूंगा और आपको मैं बताता चलूं, ये आपके लिए गुड न्यूज है, अच्छी खबर है, ये लोग जानते हैं, ये जो आपके लोग हैं ये जानते हैं कि आपकी आवाज कहां तक पहुंच चुकी है, और इवन हमारे पॉलिटिशियंस के साथ हमारे ना, अभी उसके बाप मरने के बाद उसने इस्लाम कबूल करी और ये शादी करी, उससे पहले तो ये हिंदू थी, इस्लाम कबूल किया इसने, तो वो मैंने बात किया, वो कह रहे हैं हम तो हिंदू हैं, तो ऐसी झूठ बोलती है, झूठ बोलती है वो, पहले इसने हिंदू कर का बोल रही थी, अभी वो मुस्लिम हो गया, पहले रेखा था, अब क्या नाम रेखा ही चल रहा है ना इसका, अभी भी रेखा ही चल रहा है, पता नहीं मुस्लिम में क्या नाम रखी है, हम लोग को नहीं पता, और इसने आके इधर आके रोना धोना डाली, ठीक हो गया, किस्मत के लिए इसको दिया तो ये पूरा, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, आप क्या बात करना चाहेंगे? माँ मंदिर चाहिए हम लोग का, मंदिर चाहिए, हाँ मंदिर चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे जी? हम भी यही चाहते हैं कि मंदिर ही चाहिए, गलत बयान दिया उसने अच्छा नहीं करा, उसने बोला मैं हॉस्टल बनाऊंगा, मैं स्कूल बनाऊंगा, मंदिर में कोई हॉस्टल बनता है, कोई स्कूल बनता है, हमारा कुछ भी, हमारा माँ चाहिए, हमारा मंदिर चाहिए बस, जरूरत ही नहीं है, हम हॉस्टल बनाना होगा तो हम लोग कब का बना लेते हैं, हम अपना धरती माँ को छोड़ नहीं सकते, हम अपना मंदिर को छोड़ नहीं सकते, हमें हॉस्टल की जरूरत, हॉस्टल कमर्शियल एक्टिविटी में आ जाएगा, प्लाजा बनाया जाएगा वो भी कमर्शियल एक्टिविटी में आ जाएगा, और एक मेन चीज जो मुझे नोट करने की जरूरत है, जो हमारे अदारों को नोट करने की जरूरत है, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नोट करने की जरूरत है कि ऑलरेडी यहाँ पे अगर पाकिस्तान की बात करें, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है उसके मुताबिक तकरीबन 4 से 5 मदरसी कम्युनिटी के मंदिर हैं, और उनमें से भी अगर एक मंदिर को खत्म कर दिया जाएगा, कितने टोटल मंदिर हैं आपके ख्याल में पाकिस्तान में या कराची में? कराची मदरासी कम्युनिटी के, मदरासी कम्युनिटी के हमारे टोटल 4 मंदिर है, मारी माता मंदिर टेम्पल, और बकायदा मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर राकेश साहब से, जिस दिन आपके सामने मेरी बात हुई थी, जिस वक़्त मैं फोटेज खींच रहा था मंदिर के, उन्होंने मुझे रोकने की जरूरत कोशिश करी, तो उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आप कौन हो, तो उनको फिर मैंने बताया मैं मदरासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, फिर उन्होंने बताया आप तस्वीर क्यों खींच रहे हो, अच्छा तस्वीर खींचने की भी नहीं इजाजत वहाँ, हाँ तो बहरहाल मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो अंदरूनी सिंध के है, तो अपना ये सारा काम अपने अंदरूनी सिंध पे ही करे, कराची पे मत करे, ठीक है, उनको ये मालूम नहीं है कि हमारी मारी माता देवी हमारी कुल की देवी है, उसको ये नहीं मालूम देवी क्या होती है, ठीक है, ठीक है, वो दावा कर रहे थे, वो ये कह रहे थे मैं भी हिंदू हूँ, मैं अपने हिंदू भाइयों का दर्द समझता हूँ, हिंदू अगर दर्द समझता होगा तो हिंदू की साथ देता, हिंदू की इसके खिलाफ की बात नहीं करता, हम गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे, ठीक है ना, हॉस्टल बनाने की उसको बोलो अपने घर तोड़े, अपना हॉस्टल वहाँ बनाए, हमें जरूरत नहीं है हॉस्टल की, हमें इस देवी की जरूरत है, हमारी माता देवी की जरूरत है, हमें हॉस्टल की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, इससे पहले हमें जो वाकया देखने को मिलते थे इंटीरियर सिंध, अंदरूनी सिंध हमें गोटकी में या इस तरह के एरियाज में वाकया देखने को मिलते थे, अब ये चीज शायद कराची भी आती, मेन सिटी जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है वहां पर आती नजर आ रही है। अच्छा अगर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके जो आप आके आइएगा, आपके जो नुमाइंदे हैं, आप यहाँ के चेयरमैन हैं क्या, आप इनके मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, तो
मेरे ख्याल से जो उस दिन राकेश कुमार साहब आए थे वो पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं, मिनिस्टर भी हैं या फिर वो उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल पार्टी के, तो उन्होंने ये बोला मैं इनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने जाके दी मीडिया पे वो हैरान करने वाली थी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके जो नुमाइंदा हैं, आपको जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ सिंसेयर नहीं। मिला हुआ होगा उसको, कुछ मिला होगा तभी उसने ये बयान दिया। अगर वो हिंदू होता तो इस तरह का बयान नहीं देता। अगर उसने ऑस्ट्रेलिया का कोई कॉम्प्लेक्स बनाना तो वही बच्चे ने सही कहा, अपना घर तोड़े वहाँ जाके बनाए। हम तो गवर्नमेंट की बहुत सी जगह है, अंदरूनी सिंध का है, कराची का नहीं है। उसको यही नहीं पता कि मद्रासी कौम यहाँ कितने हैं। मुझसे ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से आए वो, ठीक है ना। अच्छा अगर... एक और चीज मैंने वहाँ नोट की, जो खतून कहती नजर आ रही थी, भाई ये तो इस एरिया के नहीं है, ये इस मंदिर में क्या करने आए, ये तो इस एरिया के नहीं। क्या मंदिर का कोई एरिया फिक्स होता है कि इतने लोग? ये मुझसे बताया कि 8x16 का मंदिर कहीं आपने देखा पूरे पाकिस्तान में या पूरे कराची पे, सिवाय उस सोल्जर बाजार एक नंबर के, ठीक है ना। मंदिर भी तो अपने घरों के अंदर होता है, पब्लिक पब्लिक अलावा नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा ऐसा ये सेंटर पे मंदिर था, लाके इसने कोने पे लाके करके पूरे मंदिर को अपना वो एक कब्जा बना दी, ठीक है वहाँ से ही अपना बिल्डिंग बना खाना कर रही है, ठीक है ना। हमें बिल्डिंग नहीं चाहिए, एक और चीज, बिल्डिंग नहीं, आपको चाहिए इधर साथ आ जाए मेरे, ताकि आपका रिकॉर्ड हो सके। एक और चीज, मंदिर का कोई फिक्स एरिया है, मतलब कि इस एरिया के लोग आ सकते हैं? हमने तो मस्जिद की अगर बात करें, मैं लाहौर से आया हूँ, मैं कराची में किसी भी मस्जिद में जाके, आप क्या समझते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा ही है, मंदिर खुला होता, देखा आपने, देखा चाहे कोई लाहौर से आके भी क्लेम करे कि भाई मैंने यहाँ रहना है। मंदिर हमारा, इसकी टाइमिंग है बंद करने की, वरना ये खुला रहेगा। वो तो मस्जिद की भी एक टाइमिंग रहेगा, ठीक है ना। आपने देखा अक्सर वहाँ ताला लगा होता है, वो क्या, आपने उसके रूम भी देखा, पहले उसका कमरा स्टार होता है, उसके बाद आगे जाकर इस तरह मंदिर होते हैं। वो तो एक प्राइवेट मंदिर देखा ना, मंदिर मारी माता मंदिर, ये सिर्फ हमारी है, हम साउथ वाले जो है ना, चेन्नई वाले, ये हमारी मंदिर है और मानते भी हम ही है इसको। इनको तो इतनी जानकारी नहीं होगी इनको क्या है क्या नहीं। एक बात रेखा जी से ये पूछे कि जो मंदिर के अंदर देवी बैठी हुई है उसका नाम क्या है, सिर्फ उससे ये पूछे आप, सब चीजों को छोड़े। अच्छा, बहुत से लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको देख रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, मद्रासी लैंग्वेज में। आप, मैं हमारी खातून बात करेंगे, जी जी, हमारे तमिल में आप बात करें। हम तमिल है, हम इंडिया का चेन्नई के रहने वाले, हम तमिल भाषा करते हैं। उसमें बात करें, यंग कोयल एंगल की वेंड हो, ठीक है, के रिक्वेस्ट भी अपनी जुबान में आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं गवर्नमेंट से, सीएम से रिक्वेस्ट कर अपनी जुबान में, तमिल में। हमारा मंदिर के लिए हम तमिल में बात करें, जी जी, तो यंग कोविल एंगल की वेणु இவன் வீடு கட்டுறாங்க, கோயில உடைச்சிட்டு வீடு கட்டுறா, இவன் வீடு கட்டி உயரமாக பில்டிங் ஏத்துறா, எங்களை வீட்டு உள்ளார கோயில் உள்ளார விடாமல் போலீஸ்காரனுங்களை வச்சு எங்களை அடிச்சு துரத்திடுறா, பூசை பண்ண விட மாட்டேன்றா இவரு। बिल्कुल, उनका जो मैंने नोट किया है या मुझे ऐसा लगता है उन्होंने यही बोला कि भाई ये मंदिर, हाँ, और बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अभी तक अपनी मादरी जुबान को भी बरकरार रखा हुआ है, आज कराची में भी और पाकिस्तान में भी। अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, मैं, मेरी टीम, हम सब मिलके अब ये याद दिलवाएंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को, कराची के गवर्नमेंट को, कि भाई यहाँ पर हम लोग इन लोगों के साथ खड़े हैं और हम यहाँ पे इधर से इस मंदिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे और रोड तक इस प्रोटेस्ट को लेकर जाएंगे, जिसमें ये सब लोग मेरे साथ मौजूद होंगे। चलें हम, और यहाँ पर हम एक आवाज़ लगाएंगे, ये किसका पाकिस्तान है? हम सब का पाकिस्तान है, ऐसे ही है। आगे आ जाए, जी जी जी, मुझे बताएं जी, ये किसका पाकिस्तान है? ये किसका पाकिस्तान है? इसकी हिफाजत भी हमें ही करनी है, ऐसे ही है। मेरे भाई, मुझे आप इधर आए, देखें, आज इससे पहले जो मैं कवर कर रहा था, आए आप लोग, आए सब, सब आए, सब आए। इससे पहले जो मैं कवर, जी, जो मैं कवर कर रहा था, यहाँ के लोग डरे डरे लग रहे थे कि शायद बात नहीं करना चाह रहे थे, शायद वो, उन्हें ऐसा लग रहा था बात करेंगे तो कोई इशू होगा। जी बिल्कुल, यहाँ से जाहिर बात है, हम लोग यहाँ टोटल मद्रासी कौम 1.5 से 2.5 हजार ही है, इससे ज्यादा कराची के अंदर नहीं है हम लोग। जाहिर बात है, जिस तरीके से हम लोग वहाँ गए थे प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है, तो उस वजह से वहाँ जिस तरीके से हमारे पे हमला किया पुलिस ने, तो उस वजह से लोग हमारे काफी बुजुर्ग डर चुके थे, ठीक है। इस वजह से आज उस मंदिर के करीब कोई नहीं गया, ठीक है, तो इसीलिए आज हमने ये सोचा था कि आज हम कंपाउंड में ये करें,
ठीक हो गया। अच्छा, मैंने अंदरूने सिंध विजिट किया, वहाँ पे मुझे बहुत बुरी कंडीशन नजर आई हिंदू कम्युनिटी की, मुझे फिर लेकिन ये बताया गया कि शायद जो कराची है, जो मेन एरिया है, वहाँ पे अच्छी कंडीशन में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये मैंने ये मोहल्ला देख रहा हूँ, ये घर देख रहा हूँ, ये कंडीशन देख रहा हूँ, ऐसी कंडीशन तो मुझे लगता है यहाँ पे भी गुर्बत का बुरा हाल है। बिल्कुल गुर्बत का बुरा हाल है, आपके सामने ही हर एक चीज नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक ये जो गली है इसमें शायद आप दो लोग इकट्ठे नहीं गुजर सकते, आप यहाँ इस तरह की गली में रहते हैं, क्या कहेंगे कि ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी इस कंडीशन में रह रही है या ओवरऑल ऐसी सिचुएशन है? नहीं, ये तो बस देखेंगे, एक तो मुल्क के हालात आपको पता, महंगाई बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, इसमें तो मैं किसी पे कोई ब्लेम नहीं कर सकता, आज का हालात भी ऐसे, महंगाई या तो खाना खा ले या अपना घर बना ले, जो बात है ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे, पहले लोग डरे डरे लग रहे थे, जब कोई लोग आ नहीं रहे थे, इवन बात नहीं कर रहे थे, अब यहाँ पर पूरा मोहल्ला ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इकट्ठा हो चुका है, तो पूरे आपके एरिया के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, क्या हौसला मिल रहा है, कोई उम्मीद मिल रही है आपको? ये तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने अच्छी तरह कवर किया इसको, बड़ी अच्छी तरह दिखाया है इसको, मैं आपका बार बार थैंक यू बोलता हूँ भाई, और ये लोग ये वीडियो आपकी वीडियो देख के सारे जमा हो गए, यकीन जाने, ये आपने बड़ा अच्छा कवर किया, मुझे महाराज से भी कॉल आई कि इस बंदे ने बड़ा अच्छा कवर किया, अच्छा तरह दिखाया, उसको भी सुना, हमें भी सुना, लेकिन बेहतर दिखाया, बिल्कुल हमारा काम ये था कि देखें वहाँ का भी स्टांस लिया जाए, यहाँ का भी स्टांस लिया जाए, और हम ऑब्जर्व काफी है, देखें मैं भी इंसान हूँ, ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि किसका राइट है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, लेकिन इसका फैसला करना अदालत का काम है। आए अब एक हम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं, और साथ मुझे ये बताएं इंटरनेशनल मीडिया पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे यही है कि भाई ये हमारा मंदिर है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, और बहुत अच्छा मुल्क है भाई, हमें कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है, ये जो जाति कर रही है ये हमारी अपनी है, ठीक है ना, ये रेखा नामी जो लड़की औरत बताती है ये हमारी अपनी है, और उनको, लेकिन ये मैंने जो सुना है आपके कुछ लोग कह रहे थे कि वो मजहब चेंज कर चुके हैं, सुनी सुनाई बातें ना, देखें ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, यही है कि भाई जो है ना कि उसको भगवान उसकी बुद्धि दे, वो ये जो कर रही है वो गलत कर रही है भाई, उसको नहीं पता इसके साथ क्या क्या हो जाएगा, ऐसे ही बस मेरा ये बिलावल साहब से एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कहता हूँ इस मंदिर की सही तरह जान पहचान करवाए, इसके सारे पेपर निकलवाए, ये किसके नाम पर है, और जिसके नाम पर है भाई उसके नाम उसके हाथ पे दिया जाए। अभी हम आवाज लगाएंगे सेव मंदिर सेव पाकिस्तान, मैं सेव मंदिर बोलूंगा आप सेव पाकिस्तान बोलेंगे, सेव मंदिर सेव मंदिर सेव पाकिस्तान, यही चीज है कि हम यहाँ पर अपनी मिनोरिटी अपने इन भाइयों का इन बहनों का ख्याल रखेंगे तो शायद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज बेहतर होगा, लेकिन ये जो खबरें हमें इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिलती हैं अगर इनका हम हकीकत से सामना करें तो कहीं ना कहीं हमें हमारी अपनी भी गलती नजर आती है। यहाँ पर हम अगर देखें ये वो मोहल्ला है जहाँ पर माइनॉरिटीज या हिंदू कम्युनिटी रहते हैं, आप मुझे बताएं जब हम अंदरूने सिंध गए तो कहा यह गया कि भाई कराची में बहुत अमीर हिंदू रहते हैं, आप माइनॉरिटीज अंदरूने सिंध में जाके कवर कर रहे हैं, लेकिन आज यकीन माने मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर कंडीशन देखी है इनके इनका आप वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ स्कूल एजुकेशन आपके लिए कोई सिस्टम प्रॉपर बनाया गया है? ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया है, क्या वजह है ये तो गवर्नमेंट को ही पता है। ठीक हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे, कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको, लगता है कि इंसाफ मिलेगा? सर नहीं मिलेगा, मुश्किल है, मिलेगा गुड जबरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद, मीडिया वाला जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ दोगे तो हमारे मंदिर हमें मिलेगा। जब ऐसे लोग हमारे साथ हमें अप्रिशिएट करते हैं तो फिर मेरा ये फर्ज है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मंदिर जिसका मसला चल रहा है ये सिर्फ इन लोगों का मंदिर नहीं है, ये हमारा मंदिर है, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान को महफूज करना, पाकिस्तान पाकिस्तान, मीडिया वाला जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर डॉक्टर राजेश के खिलाफ एक बोलना चाहता हूँ। ठीक है बोलो। डॉक्टर राजेश के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मिनिस्टर के साथ वो मुझे ये कहा कि एक सोशल मीडिया में कहा कि हम वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे, अगर इसका मरम्मत नहीं हुआ, अगर हमें मंदिर नहीं मिला तो हम डॉक्टर राजेश के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ठीक है, ये हमारा मुतालबा है, पाकिस्तान का कानून, हमारे पाकिस्तान का कानून हमें इस चीज की इजाजत देता है। डॉक्टर राकेश से हमारा मुतालबा है, राकेश कौन होता, राकेश कोई अब आगे नहीं है, वो आके पीपल पार्टी का वहीं रहे, हमारे इसमें दखल देना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक और चीज, हम लाहौर से स्पेशल इस वजह से आए कि हमें खबर मिली कि ये मुसलमानों ने कुछ इस तरीके से किया है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा किया गया है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर जो औरत है ना सर,
जो जिसका रेखा नाम है सर, वो ही करवा रही सर। हाँ हाँ। कोई हमारे मुसलमान से नहीं, हमारे भाई है सर, वो हमारे साथ ताउन करते हैं सर, हम तो शुक्र गुजार है सर उनके। अच्छा, मुसलमान सही है, अभी भी हमारे साथ मुसलमान सही है हमारे। देखे यहाँ पे जितने प्रोटेस्ट में लोग मौजूद है, क्या समझते हैं इनमें कोई मुसलमान मौजूद है प्रोटेस्ट में? हिंदू कमेटी के साथ ताल्लुक कोई भी नहीं। कहीं पे प्रोटेस्ट किया गया मुसलमानों की तरफ से? नहीं सर, कभी। ठीक है, ये भी मेरे लिए एक सवालिया निशान है, पाकिस्तान के लोगों के लिए, हम मुसलमानों के लिए सवालिया निशान है। जब दुनिया के किसी भी कंट्री में मंदिर हो, मस्जिद हो, तो हमें इकट्ठा होने के इंसानियत के लिए, हम मस्जिद के लिए प्रोटेस्ट यहाँ पे करते हैं। अगर कुरान पाक की कोई बेहरमती करता है तो हम गर्दन तक उतारने को तैयार होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमें, हमारा मजहब भी यही कहता है कि दूसरे के मजहब को भी रिस्पेक्ट दी जाए, हम उनके मजहब की भी हिफाजत करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इंडिया आज நீ அங்க கூட அனுப்பிவிடு, எல்லாத்தையும் இந்த இது அனுப்பிவிடு, அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. எங்க எங்க கோயிலு ये बोल रहे हैं जो हमारे साथ जो वाक्य हो रहे हैं ना, हाँ, उसका प्रभु हम करते हैं और ये मुझे हक मिलना चाहिए। ठीक है, तमिल मद्रासी बोल रही है, इसका हक मिलना चाहिए। हाँ, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगी? எங்களுக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம், அந்த சிலை எங்க இருந்துச்சோ அந்த இடத்துல சிலையை வச்சிடுங்க. ठीक है, எங்களுக்கு அது எங்க மாதா, எங்க கோலே மாதா, அதுதான் வேணும் எங்களுக்கு, வேற ஒன்றும் வேண்டாம் எங்களுக்கு. मैं इनकी जुबान तो नहीं समझा, लेकिन इनका दर्द जिस तरीके से इन्होंने बात की है, मैं वो समझाऊं, शायद ये कह रहे हैं कि हमारी माता को, हमारी माँ को जो उनसे नुकसान जी, ये वेंडा எங்களுக்கு माता का அந்த சலை எங்க இருந்துதோ அதே இடத்துல வச்சிடுங்க. எங்க மாரியாயே அங்கே எங்க மாரியாயே வச்சிடுங்க. எங்களை ரொம்ப ஜுலம் பண்ற அந்த ரேகா எங்களை. खैर, अच्छा अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं यही कहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया हो, खास तौर पे पाकिस्तान की मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, मेरे भाई इस इशू को आप छोटा इशू नहीं समझें। ये आज अहम आवाज़ उठा रहा हूँ मैं, अकेला आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर आप लोग साथ देंगे तो शायद ऐसे वाकयात ख़त्म हो जाएंगे। लोगों को पता होगा कि अगर कोई नाइंसाफ़ी करता है, कोई ज़्यादती करता है, तो उसके अगेंस्ट मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ पूरा मीडिया खड़ा है। लेकिन अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये वाकयात होते रहेंगे। ये नुकसान सिर्फ इन लोगों का नहीं है, ये नुकसान पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के इमेज का नुकसान है पूरी दुनिया में। हमारा इस वाकये से क्या इमेज जाएगा, हमें ये सोचने की जरूरत है। इनके दिलों में मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या सिचुएशन होगी जब हम उनके साथ अगर खड़े नहीं होंगे, तो ये हमें सोचने की जरूरत है। आज ये बहुत फख्र से कहते नजर आ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, बहुत फख्र से कहते नजर आ रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन हमें भी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम इनके मान को, इनके इस फख्र को बरकरार रखें। लास्ट में आप में से कोई कुछ कहना चाहे, क्या कहेंगे आप, कुछ कहेंगे या आप में से कोई कुछ? जी जी जी, आप क्या कहेंगे उर्दू में? पाकिस्तान उर्दू में काइंडली, पाकिस्तान में कितना लोग रहता, आप लोग सब हम लोग के लिए मदद करो, ऐसे ही हम लोग को साथ करो, हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, शाबाश। माता चाहिए, माता किस जगह में था उस जगह में रख दो, हम उसको हम मानेंगे। क्या बात है जी, ऐसे ही है करेंगे, आके वहाँ पूजा पाठ भी करेंगे। एक जबा ने तीन जबा खाया वो औरत ने, हम लोग वहाँ पे वो मार के भगा देती है, हम लोग मार के भगाती है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन वो ये ब्लेम करती है, ये कभी आते ही नहीं, ये साल बाद आते हैं, झूठ बोलती है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। सामने वो क्या है, उसका नाम महाराज का, ठीक है, नाम महाराज है, उसको बच्चा है, इसने दो सफा हम लोग साथ क्या करी। ठीक है, क्या आप शहबाज शरीफ साहब जो के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम हैं, उनके लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे? सीएम जो सिंध के सीएम हैं, उनके लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो के साहब के लिए खास तौर पे कोई मैसेज, कोई पैगाम? बिलावल भुट्टो के लिए हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर ये हम लोग के साथ जुलम हो रहा है ना, ये जुलम हम लोग को अच्छा करो, वो माता को कौन सी जगह में रह रहा था उसी जगह में रखो, हम पूजा करेंगे। ठीक हो गया जी।
ये थी आज की वीडियो और हमसे जितना पॉसिबल हुआ हम यहाँ पे खड़े हैं और इन लोगों के ये मेरे मैं इन पे कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं एहसान कर रहा हूँ पाकिस्तान के ऊपर, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के इमेज के बेहतर होने के लिए और हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। और पाकिस्तान के जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया या जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, खास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आए आज इस टाइम पे इनके साथ खड़े हों। हम इनके साथ खड़े होंगे तो बिलीव मी कल किसी की जरूरत नहीं होगी ऐसा कोई काम करने की, ऐसी कोई हरकत करने की। नेक्स्ट वीडियो में और न्यू अपडेट्स, जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी उनके साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।